सो हेलो गेमर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके टीवी में एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटमैन अर्कम नाइट गेम के बारे में। तो यार, जब भी हम लोग सुपर गेम्स की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करते हैं तो बैटमैन फ्रेंचाइजी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ये फ्रेंचाइजी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी है सुपर हीरो गेम से रिलेटेड। और यार, यहाँ पे इसके गेम्स कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रहते हैं। जैसा कि यार आप लोग जानते हो, स्पाइडरमैन के जो गेम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव रहते हैं यहाँ पे प्लेस्टेशन के लिए। तो इसके जितने भी गेम्स रहते हैं यार, वो आप अपने विंडोज सिस्टम में भी खेल सकते हो, पीसी में भी खेल सकते हो। तो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस गेम को। एंड अगर आप लोग इस गेम को खेलना चाहते हो तो आप लोग प्राइजिंग वाले सेक्शन पे सीधा स्किप मार सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है गेमिंग गेटवेज नाम की एक वेबसाइट से। तो बेसिकली गेमिंग गेटवेज एक वेबसाइट है जहां से आप लोगों को जो भी गेम डाउनलोड करना रहता है वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली गूगल पे जाओ, gaminggateways.blogspot.com सर्च करो, वहां पे सर्च के बॉक्स में जो भी गेम आपको डाउनलोड करना है वहां पे सर्च करो। एंड नीचे डाउनलोड के बटन पे डाउनलोड करके गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप लोग गेमिंग गेटवेज को चेक करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी वेबसाइट की। सो गाइज, यहां पे बात करें इस गेम की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस गेम को यहां पे रिलीज किया गया था June 23, 2015 को, और यहां पे इस गेम को पब्लिश किया था वार्नर ब्रूस ने, और डेवलपर हैं इसके रॉकस्टेडी स्टूडियोज। एंड यार, इस गेम को यहाँ पे मेजर प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज किया गया था, जैसे कि प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 और विंडोज के लिए गेम इनिशियली अवेलेबल है। सो गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गेम की स्टोरी के ऊपर। तो इसकी जो स्टोरी है वो फॉलो करती है स्केयरक्रो, डेथ स्ट्रोक एंड अर्कम नाइट को। तो यार, ये तीनों बेसिकली प्लानिंग करते हैं कि बैटमैन को हम लोग यहाँ पे अनमास्क कर देते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हो कि बैटमैन की आइडेंटिटी छुपी रहती है यार, वो हमेशा मास्क में रहता है, मूवी वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये लोग चाहते हैं यार कि बैटमैन की आइडेंटिटी हम लोग रिवील कर दें। और साथ ही साथ इनका एक दूसरा गोल भी है। तो यहाँ पे जो गोथम सिटी हमारी है इस गेम के अंदर, यहाँ पे प्लानिंग ये लोग करते हैं कि भाई इस सिटी को हम लोग टॉक्सिन के अंदर पूरा यहाँ पे डुबा देते हैं। तो यार, यही थी इसकी मेन स्टोरी। एंड आप लोगों को पता है यार कि ऐसा कभी हो सकता, क्योंकि यार सुपर हीरो गेम्स में यार हमेशा जो सुपर हीरो रहता है, इस गेम में तो बैटमैन है भाई, वो पूरी यहाँ पे कोशिश करेगा एंड बचा लेगा अपनी यहाँ पे गोथम सिटी को। तो यार, सुपर हीरो की जो कहानी रहती है वो कुछ इसी तरह चलती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्टोरी तो ठीक ठाक है, आउट ऑफ 10 मैं स्टोरी को रेटिंग दूंगा यहाँ पे 7। तो अभी ये जो मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई है, ये यार ऊपर ऊपर ऐसे बता रखी है, मतलब जब आप लोग गेम को खेलोगे तो यार अच्छे तरीके से आप लोग स्टोरी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यार, स्टोरी के अलावा गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो यार ग्राफिक्स में भी ये गेम काफी अच्छी है। गेम प्ले आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, तो ग्राफिक आप लोग चेक कर सकते हो। तो ग्राफिक भी यार बहुत बढ़िया आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाता है। 2015 की ये गेम लॉन्च्ड है, तो उसके हिसाब से ग्राफिक बहुत ही बढ़िया है यार। और यार, बात किया जाए कि इस गेम को क्या रेटिंग और रिव्यूज मिले हैं, तो यहाँ पे लगभग 95% लोगों ने इस वीडियो गेम को लाइक किया है, और IGN पे इस गेम को मिली है 10 out of 9.2 की रेटिंग। तो यार, रेटिंग और रिव्यूज भी काफी अच्छे इस गेम को मिले हैं, और गेम बहुत ही बढ़िया है यार। तो गेम को खेलने से पहले या फिर खरीदने से पहले आप लोगों को सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इस गेम की पता होनी चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं इस गेम की। सो गाइज, OS की बात करें तो कोई सा भी OS हो यार, विंडोज 7, 8, 10 जो भी हो, 64 bits का आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i5 का 750 2.67 GHz का, और मेमोरी की बात करें तो 6 GB रैम आप लोगों को चाहिए होगी। और ग्राफिक कार्ड की बात करें यार, तो कोई सा भी ग्राफिक कार्ड हो, 2 GB का यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आप लोगों को चाहिए। डायरेक्ट टेक्स की बात करें तो वर्जन 11 आप लोगों को डायरेक्ट टेक्स वाला चाहिए होगा। और स्टोरेज की बात करें तो यार लगभग 50 GB आप लोगों की स्टोरेज खाली होनी चाहिए। तो यार, ये थे कुछ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इस गेम की। तो यार, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गेम की प्राइसिंग की। तो यार, स्टीम पे आप लोगों को बैटमैन अर्कम नाइट और बैटमैन अर्कम प्रीमियम एडिशन
दोनों ही यहाँ पे लगभग 1900 रुपीज में मिल जाएंगी, यानी 1900 रुपीज में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे दोनों में से जो सा भी खरीदना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर खरीदना ही है तो प्रीमियम एडिशन वाला खरीदो। दोनों की जो प्राइस है वो लगभग सेम ही है। और मैं जो ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, इस टाइम स्टीम पे एक और ऑफर चल रहा है यहाँ पे बैटमैन अर्कम कलेक्शन का। इसमें आप लोगों को लगभग 4 गेम्स देखने को मिल जाते हैं, बैटमैन अर्कम असाइलम, बैटमैन अर्कम सिटी, बैटमैन अर्कम नाइट और बैटमैन अर्कम की सीजन पास वाली। और अर्कम असाइलम और अर्कम सिटी की यहाँ पे गेम ऑफ द ईयर एडिशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सो गाइज, ये चारों गेम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1400 रुपीज में देखने को मिल रही है। तो यार, ये था बैटमैन अर्कम कलेक्शन। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो स्टीम पे ये कलेक्शन भी अवेलेबल है। तो मैं तो सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये बैटमैन अर्कम कलेक्शन को ही बाय करो, क्योंकि इसमें आप लोगों को 4 गेम्स देखने को अलग अलग मिल जाएंगी। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी बाय करना है उसको कर लेना। तो यार, अब हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि इस गेम को अफोर्ड नहीं कर सकते और यहाँ पे इतने पैसे नहीं लगा सकते किसी गेम के ऊपर। तो यार, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पे आप लोगों को वेबसाइट की लिंक देखने को मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे ये गेम आप लोगों को एकदम 100% वर्किंग देखने को मिल जाएगी। वहां से जाके आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड जितने भी डिटेल्स रहेंगी, डाउनलोड लिंक्स और जितने भी जो भी चीज रहेंगी, वो सब कुछ आप लोगों को उस वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी आ रही है वेबसाइट की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी। वहां से आप लोग इजीली इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, बस यार आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जो भी कुछ कहना था मेरे को बैटमैन अर्कम नाइट से रिलेटेड, वो सब मैंने कह दिया है। गेम काफी अच्छा है यार, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस गेम को खेलें। तो बस यार, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों को गेमिंग से रिलेटेड इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। तो बस यार, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।